दोस्तों आज की कहानी है बहू, हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता जो तुम अपने मायके वालों को देती हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। रविवार का दिन और सुबह का वक्त था, घड़ी में 9 बज रहे थे। उदय अपने पिता रमन जी के साथ नाश्ता कर रहा था। उसे अपने पिता के साथ दुकान के लिए निकलना था। उदय की पत्नी नमिता रसोई में गर्मा गर्म पराठे बनाकर उनको परोस रही थी। वह एक स्कूल में टीचर का जॉब करती थी, पर शादी के बाद सासू माँ ने जॉब छुड़वा दी। जबकि उसकी माँ माया जी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। उदय की शादी नमिता से 5 महीने पहले ही हुई थी। जब से उदय की शादी हुई है घर की जिम्मेदारी अपनी बहू नमिता को सौंप कर माया जी अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रही है। अब वह सुबह लेट उठती है और अपना थोड़ा बहुत काम करके टीवी चालू करके बैठ जाती है, यहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी अपने कमरे में ही करती है। एक बहन है अनुश्री, कॉलेज में पढ़ती है वह, पर वह अभी तक सो रही है। उसकी इच्छा होती है तो कॉलेज जाती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी के नाम पर घर पर रुक जाती है और अपने कमरे में घंटों लैपटॉप या मोबाइल के सामने बिता देती है। खैर रमन जी और उदय नाश्ता कर रवाना हो जाते हैं और नमिता लगाकर अपनी सासू माँ माया जी को नाश्ता देने उनके कमरे में जाती हैं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो नमिता ने जाकर दरवाजा खोला। सामने उसके पापा और छोटी बहन वेदई खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर नमिता खुश हो गई और उन्हें घर में लिवा लाई। उसके पापा ने अपने साथ लाई हुई फलों की टोकरी और एक साड़ी नमिता को पकड़ाई तो नमिता ने कहा, पापा ये सब लाने की क्या जरूरत थी। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना आता, तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझ में जितनी समझ थी मैंने उतना कर लिया। नमिता ने वह फलों की टोकरी और साड़ी हॉल में ही रख दी और उन्हें बिठा कर पानी सर्व किया। उसके बाद माया जी को बुलाने कमरे में गई। मम्मी जी मेरे पापा और वेदई आए हैं सुबह सुबह, तुमने बताया नहीं कि वो लोग आने वाले। माया जी के प्रश्न से नमिता चुप हो गई। ऐसे सुबह सुबह बेटी के घर कौन जाता है, वो भी बिना फोन किए। नमिता ने कहा, मम्मी जी मुझे नहीं पता, शायद या किसी जरूरी काम से आए होंगे, नहीं तो पापा बिना फोन किए किसी के घर नहीं जाते। ठीक है, उन्हें बेटाओं में नाश्ता खत्म करके आ रही हूँ। माया जी ने अपना नाश्ता जारी रखा और नमिता सुबह साफ बाहर आ गई। अपने पापा से कुछ देर बात कर वह रसोई में शाय बनाने सल दी। शाय भी बना कर ले आई और पापा ने शाय पी भी ली, लेकिन माया जी अभी तक कमरे से निकल कर नहीं आई। आखिर नमिता के पापा ने कहा, बेटा मैं यहाँ जरूरी काम से आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने जाना, अगर लेट हो गया तो क्लाइंट निकल जाएगा, मैं समदन जी से वापस आकर मिल लूँगा, तब तक वेदई यही तुम्हारे पास से। दोनों बहनें जी भर के बातें करो, वैसे भी तुझे से मिलने के लिए जिद करके यहाँ आई है। ठीक है पापा, आप अपना काम निपटा लीजिए, मम्मी जी पापा जी से शाम को भी मिल सकते हैं, नमिता ने कहा तो उसके पापा वहाँ से रवाना हो गए। उनके जाने के 15 मिनट बाद माया जी निकल कर बाहर आई तो वेदई और नमिता साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक नज़र उन्होंने फलों की टोकरी उस साड़ी पर डाली, फिर नमिता और वेदई की तरफ देखा। उन्हें देखते ही दोनों खड़ी हो गई और वेदई ने हाथ जोड़कर माया जी को नमस्कार किया
अरे तुम्हारे पापा कहाँ गए, मुझसे तो मिले ही नहीं। नमिता ने बात संभालते हुए कहा, मम्मी जी पापा कोई जरूरी काम से गए हैं, आते समय आपसे मिल लेंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपने समधी समधन से मिले नहीं हो सकते थे, पहले का वक्त ही कुछ और था, पर आजकल नया जमाना है। खैर कोई बात नहीं, कहती कहती माया जी वहीं सोफे पर आकर बैठ गई और वेदई से बातें करने लगी। काफ़ी देर तक इधर उधर की बात करते करते वह वेदई से बोली, अरे बेटा तुम्हारा ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? वेदई ने भी खुश होते हुए कहा, ये सूट मेरे जन्मदिन पर जब नमिता दीदी और जीजा जी घर पर आए थे तो उन्होंने ही मुझे ये सूट दिलाया था, आपको अच्छा लगा? सच में मेरी दीदी और जीजाई की चॉइस तो बहुत अच्छी है, सभी को ये सूट पसंद आया। वेदई की बात सुनकर माया जी के चेहरे पर कई हाँ भाव आकर चले गए। नमिता वहीं बैठे बैठे उनके चेहरे के हाव भाव को नोटिस कर रही थी पर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद ननद अनुश्री भी उठकर आ गई। वेदई को देखकर मुंह बनाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे आज इतनी सुबह सुबह कैसे, घर में कुछ काम नहीं था क्या, या फिर साई पत्ती खत्म हो गई थी? उसकी इस बात पर माया जी हंसने लगी और वेदई ने नमिता की तरफ देखा। उसे इस तरह नमिता की तरफ देखता हुआ देखकर माया जी बोली, अरे वेदई बुरा मत मानना, अनु की तो आदत ही है मजाक करने की। उनकी बात सुनकर वेदई हल्की सी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठ गई, पर नमिता को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कहा, अनुश्री हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी है जो घर का काम कर लेगी? वेदई अपनी दीदी से मिलने आई है तो घर का काम तो करके ही आई होगी, वैसे भी हर काम में निपुण है मेरी बहन, पता है सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। नमिता की बात सुनकर माया जी और अनुश्री दोनों का मुंह बन गया और अनुश्री ने कहा, इससे मुझे क्या, मुझे भूख लग रही, मेरा नाश्ता लगा दो। उसकी बात सुनकर नमिता रसोई में गई तो वेदई भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। नमिता ने गर्मा गर्म पराठे बनाए और अनुश्री को सर्व कर दिया। अनुश्री के नाश्ता करने के बाद नमिता ने अपने और वेदई के लिए नाश्ता बनाया और दोनों नाश्ता लेकर नमिता के कमरे में आ गए। जब दोनों नाश्ता कर रही थी तब माया जी कमरे में आई तो नमिता ने पूछा, कुछ चाहिए था मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपना चश्मा देखने आई थी, मिल ही नहीं रहा। उनकी बात सुनकर नमिता मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता करने लगी। जितनी देर वेदई घर पर रही, माया जी किसी ना किसी बहाने नमिता के कमरे में आती रही। नमिता को सब कुछ समझ में आ रहा था पर अपनी बहन के सामने क्या तमाशा करती। 2 घंटे बाद नमिता के पापा आ गए तो जाते समय नमिता ने अपने पर्स में से 500 रुपये निकाले और बाहर हॉल में आकर वेदई के हाथ में रख दिए। माया जी को ये बात नागवार गुजरी। उसके पापा के जाने के बाद माया जी बोली, अरे वाह बहु रानी, बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास, क्या जरूरत है अपनी बहन को 500 रुपये देने की? 10-20 रुपये उसके हाथ रख देती तो वैसे ही खुश हो जाती। मम्मी जी वेदई मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ससुराल आई, अच्छा लगता है क्या 10-20 रुपये देना? हाँ खुद तो बड़े अमीर घराने की बेटी है ना, क्या लेकर आए तेरे पापा? एक फलों की टोकरी और तेरे लिए साड़ी, और मुझे क्या देकर गई ये 500 का लिफाफा? अरे मेरी बेटी को भी घर में ही थी, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं रखा। देखिए मम्मी जी मेरे पापा में जितनी समझ थी
उन्होंने उतना कर दिया। अनुश्री एक बार भी बाहर आकर मेरे पापा से नहीं मिली तो भला मेरे पापा को कैसे पता चलता है कि वो घर में है। उसकी बात सुनकर माया जी बोली, बहू बेवजह की बकवास मत कर मुझसे। तू धनु सेठानी अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट खरीद कर देकर आ गई, किससे पूछ कर तूने ऐसी हरकत की? तेरी तो नियत ही खराब है। हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता, जो तुम लुटाती फिर रही हो अपनी बहन पर। मम्मी जी, मेरी बहन को देने के लिए मैंने पैसे आपसे नहीं लिए, फिर आप बेवजह बात को क्यों पकड़ कर बैठी हैं? नमिता का ऐसा कहते ही माया जी का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत जुबान सलने लगी है तेरी, आने दे आज। खुदियों को फिर बताती हूँ, मेरे घर को मुफ्त में यूँ लुटाने नहीं दूंगी। तुझे बर्दाश्त कर रही हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर सड़कर नाच। बड़बड़ाती हुई माया जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पूरे दिन उन्होंने नमिता से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया।